नमस्कार, स्वागत है आपका ओनली न्यूज़न में। आप इधर पश्चिम बंगाल चुनाव में बिजी हैं, आप इधर कोरोना वायरस से में बिजी हैं, लेकिन किसान आंदोलन में आपस में लड़ गए हरियाणा और पंजाब के किसान। चलिए हम आपको पूरे एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाने जा रहे हैं कि हरियाणा और पंजाब के किसानों में कैसे चली लाठियाँ और कई लोग घायल। वहीं पर राकेश टिकैत बेहोश नजर आए। बेहोशी का मतलब यही कि राकेश टिकैत के बाल गलाए से नहीं गल रही, इसलिए राकेश टिकैत काफ़ी ज़्यादा हताश हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि हरियाणा और पंजाब में राकेश टिकैत पंजाब के किसानों का साथ दे रहे हैं, पंजाब के किसानों के साथ मिलकर बात कर रहे हैं और बड़ा पद भी पंजाब के किसानों को दे रहे हैं। इसलिए हरियाणा के किसान काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ चुके हैं। उनको कहना है कि हम भी राकेश टिकैत के आंदोलन में शामिल हैं, आखिरकार हरियाणा के किसानों को अच्छा पोस्ट क्यों नहीं दिया जा रहा इस आंदोलन में, केवल पंजाब के ही किसानों का प्रमोट क्यों कर रहे हैं राकेश टिकैत। इसको लेकर हिंसा भड़की है और वहीं पर हरियाणा के किसान बोरी बिस्तर बांध कर अपने घर जाते नजर आए। अभी हम आपको पूरी वीडियो दिखाने वाले हैं, देखिएगा पूरी वीडियो और उसके बाद कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि राकेश टिकैत का आंदोलन अब ठप होने वाला है। राकेश टिकैत का आंदोलन अब समाप्ति की राह पर है, क्योंकि इन्होंने खूब हिंसाएं कर ली, खूब देश विरोधी गतिविधियां कर ली, खूब इन्होंने देश को जला लिया, लेकिन अब राकेश टिकैत की गलाई दाल भी नहीं गलने वाली है, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने इस आंदोलन को हिंसात्मक किया, इस आंदोलन में मासूमों की जान ली, अब यही सब राकेश टिकैत को महंगा पड़ने लगा है। वहीं पर एक ही पक्षपात करने लगे हैं, एक राज्य को दर्जा दे रहे हैं, एक राज्य को सिर्फ सेवा पानी में लगा रखे हैं, पंजाब को अच्छी पोस्ट दे रहे हैं, लेकिन वहीं पर हरियाणा को किसानों से सिर्फ मेहनत और मजदूरी करा रहे हैं। इसीलिए हरियाणा के किसान काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हैं, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में। राकेश टिकैत का द एंड होना शुरू हो चुका है, क्योंकि राकेश टिकैत ने सरकार से भी कई बार अपील की कि प्लीज़ मोदी जी आइए हमसे बात कीजिए, यानी कि नरेंद्र मोदी से राकेश टिकैत ने हाथ पैर भी जोड़े हैं और ये कहा है कि नरेंद्र मोदी जी मुझसे बात कीजिए और कृषि कानून पर कुछ समाधान निकालिए, क्योंकि राकेश टिकैत को भी अब पता चल गया है कि सरकार बिल वापस लेने वाली नहीं है, किसी भी कारण से सरकार झुकने वाली नहीं है। ये बात राकेश टिकैत को अच्छी से पता चल गई है, इसीलिए राकेश टिकैत चाहता है कि हमारी किसी भी तरह से अब जीत हो जाए, किसी भी तरह से सरकार ये कह दे कि हाँ टिकैत की ये बात हम मान रहे हैं, इसी को मनाने के लिए राकेश टिकैत बैठा है। लेकिन सरकार ने खूब मौका दिया, सरकार ने मौका दिया राकेश टिकैत को संभलने का, राकेश टिकैत को संवरने का, लेकिन उस वक्त राकेश टिकैत के थोड़ा भाव ऊपर थे, क्योंकि मीडिया का मेन फ्रेम राकेश टिकैत था, लेकिन इस बार उसको कोई तवज्जो नहीं दिया जा रहा, मीडिया में उसकी चर्चाएं नहीं हो रही, उसके आंदोलन को दिखाया नहीं जा रहा, आंदोलन ठंडा पड़ गया है, इसीलिए राकेश टिकैत काफ़ी ज़्यादा हताश है, काफ़ी ज़्यादा परेशान है। आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और आपके नज़रों में राकेश टिकैत कैसा है एक बार ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कई लोगों को गुमराह किया गया और गुमराह करके उसे बॉर्डर पर ले जाया गया, लेकिन अब लोग बॉर्डर पर नहीं जा रहे हैं, बल्कि लोग बॉर्डर से घर आ रहे हैं, क्योंकि आंदोलन में सब कुछ सही नहीं हो रहा है, आंदोलन में देश विरोधी गतिविधियाँ हो रही हैं, आंदोलन में ऐसी भयावह स्थिति हो गई है कि लोगों को सरेआम मारा भी जा रहा, लोगों को सरेआम काटा जा रहा, लोगों के साथ बदतमीज़ी की जा रही है, ये लोग दारू पी पी के ड्रिंक करके गांव में घुसकर बदतमीज़ी करते हैं, यानी कि आंदोलन ने सभी मर्यादाएं पार कर दी है, इसीलिए सरकार ने इस आंदोलन को एक खालिस्तानियों का आंदोलन, इस आंदोलन को देश विरोधी तत्वों का आंदोलन कहकर इस आंदोलन को समाप्ति करने की घोषणा कर दी है, लेकिन राकेश टिकैत हैं कि वो मानते ही नहीं। चलिए आपकी क्या राय, वीडियो को यहीं पे मैं समाप्त कर रहा हूँ, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, बने रहिए ओनली न्यूज़ नेशन साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।